अब खबर अकोला जिले से है, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव के बीच अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके तहत ही जिलाधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि लोकसभा और अकोला पश्चिम विधानसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया 26 अप्रैल को होगी, जिसके लिए 307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि अकोला लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है, जिसमें अकोट, बालापुर, अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम, मुर्तिजापुर, रिसोड़ 6 विधानसभाएं हैं। तो वहीं एकीकृत लोकसभा चुनाव मतदान प्रक्रिया के लिए सभी 6 विधानसभाओं में 2056 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रिपोर्ट। आप सबको ज्ञात है कि कल भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की जो 2024 के जनरल इलेक्शन से उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। इसके तहत अकोला लोकसभा क्षेत्र में दिनांक 26 ऑफ अप्रैल को वोटिंग होने जाने वाला है। 28 ऑफ अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन आएगा और नॉमिनेशन दाखिल करने की डेट शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन दाखिल करने की डेडलाइन 4 ऑफ अप्रैल है। नॉमिनेशन विड्रॉवल की डेट 5 अप्रैल 2024 है और नॉमिनेशन विड्रॉवल की डेट की 8 ऑफ अप्रैल है। इलेक्शन का जो डेट है वो 26 ऑफ अप्रैल है और जो काउंटिंग डेट है वो 4 ऑफ जून है। ये पूरे इलेक्शन के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। ये पूरे इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कैसे हो, इसके लिए पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने की है।